जैसा कि आप देखे होंगे बिहार बोर्ड के फिजिक्स 12th के क्वेश्चन में कोडिंग किया गया है, कोड ए कोड बी कोड सी इस तरह से कोड आई जे के। लेकिन हम आपके पास लाए हुए हैं कोड डी का क्वेश्चन, और आप समझ रहे होंगे कि हम कॉर्ड डी को ही लाइक क्यों किए हैं, क्योंकि डी फॉर डी के भारतीय होता है, इसलिए मैंने इस कॉर्ड को सेलेक्ट किया, इस कॉर्ड को आपके पास लाया। तो चलिए हम लोग कॉर्ड डी के आंसर्स को देखते हैं। आप देख रहे होंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 एनुअल फिजिक्स आईसी, और यहां देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर सेट कोड डी। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि हम लोग कोड डी के क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सेक्शन ए, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है, और यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 35 है 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट। चलिए देखते हैं ये 135 क्वेश्चन जब दिया है तो हमको पहला का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करेक्ट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी ई, क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हम देखेंगे, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज मींस अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, क्या होगा इसका, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। थर्ड क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आंसर होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन यानी एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज एन अपवर्तनम तथा ये प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये बी। फिफ्थ क्वेश्चन है द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड, क्या मीनिंग है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध आयु हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सेवेंथ क्वेश्चन है टू पॉइंट चार्जेज ऑफ +10 माइक्रोकुलम या -10 माइक्रोकुलम
आर प्लेस एट ए डिस्टेंस 40 cm इन एयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी मींस हो गया प्लस 10 माइक्रोकुलम और माइनस 10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द सोलर स्पेक्ट्रम इज सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है करेक्ट ऑप्शन है काली रेखा का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस और नाइन्थ क्वेश्चन है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन्स आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचना होता है क्या होगा ये होगा आपका 0 से 1 के बीच लाइज बिटवीन 0 एंड 1 नेक्स्ट देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मीन्स विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर विल बी क्या हिंदी हो गया दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी क्या होगी तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी प्लस नंबर में देख रहे हैं सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड क्या कहलाता है भाई बेलनाकार लेंस का व्यवहार क्या जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है क्या आपका आंसर होगा एजटिगमेटिज्म यानी ऑप्शन सी सही होगा 30 नंबर क्वेश्चन है इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी क्या मीन सर किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बी 14th क्वेश्चन में इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल इज एन देन क्या कह रहा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो ऑप्शन क्या होगा इसका बी होगा 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लाइट ओव्स इट्स कलर टू इट्स फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी फेज एम्पलीट्यूड क्या होगा हिंदी में देख लें प्रकाश के रंग का कारण है क्या है तो सही जनी आंसर होगा इसका इसकी आवृत्ति ऑप्शन ये सही है फ्रीक्वेंसी सही होगा
सिक्सटेंथ में किसी बिंदुवत स्रोत, सिक्सटेंथ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेन, सर्कुलर, क्या हुआ? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, क्या होगा? गोलाकार, बेलनाकार, समतल, वृत्ताकार। ऑप्शन आपका है गोलाकार, ये ऑप्शन होगा स्फेरिकल। और नेक्स्ट 17th नंबर क्वेश्चन है व्हेन टू बल्ब्स ऑफ पावर 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विल बी 100 वाट, 2400 वाट, 30 वाट, 24 वाट। क्या हिंदी मीनिंग है? 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, क्या इसका होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ये 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर क्वेश्चन देखेंगे इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 एंड N2, देन क्या ऑप्शन होगा? N1 ग्रेटर देन N2, N2 ग्रेटर देन N1, N1 इज इक्वल टू N2 या N1 इज इक्वल टू 0। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, क्या होगा इसका ऑप्शन? सही करेक्ट ऑप्शन होगा N2 ग्रेटर देन N1, इट मींस ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आइए 19th क्वेश्चन है विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेंस कॉन्स्टेंट, बिकम्स 0। हिंदी क्या कह रहा? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कि घटता है, डिक्रीजेज, बी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, क्या ऑप्शन होगा इसमें से? क्या इंजीनियर है? वैद्युत विद्रुव की निरक्षय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, क्या व्यंजक होगा? ऑप्शन होगा इसका डी इज 0। 21st द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, ऑप्शन आपका दिया हिंदी कहता है LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, क्या होगा शक्ति गुणांक? ऑप्शन आपका इसका बी। 22 देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1.5 इज इमर्ज्ड इन वाटर देन इट विल बिहेव एज ये कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, प्रिज्म और फेज मिरर, क्या इंजन करा? ये उत्तल लेंस जिसका वर्तमान 1.5 है, कोपोनी जिसका वर्तमान 1.33 है,
में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है। किस तरह से? उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, अवतल दर्पण की तरह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस की तरह, अर्थात सही ऑप्शन होगा आपका ये, कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस की तरह। 23rd नंबर क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल टू वेक्टर ई, पैरेलल टू बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई, पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। क्या है हिंदी में लिखें? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सही ऑप्शन होगा आपका डी, यानी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर, या फिर कह सकते हैं पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। 24th नंबर क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर इज, मींस आदर्श एमिटर का प्रतिरोध होता है, क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत। तो क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा ये शून्य, जीरो। द मैग्निफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होगा आवर्धन क्षमता? ऑप्शन होगा आपका ये माइनस एफ नॉट बाय एफ ई। नेक्स्ट है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, अंग्रेजी में कह रहा है द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। लेकिन आपका ऑप्शन होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर अंग्रेजी में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज इज 5, देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी, ऑप्शन दिया है हिंदी में क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, क्या होगा वाटहीन घटक? ऑप्शन सी 28। क्या कह रहा है? एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ्ड, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, क्या हिंदी हो गया? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका बी डबल दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एन पी वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज,
क्या मीनिंग है? प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्यम और शिखर मन का अनुपात है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, कितना होता है? तो एच सी बाय लैम्डा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड इज, हिंदी में एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 6.25×10⁻¹⁸। बी ऑप्शन। द स्टोरेज एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज 200 वोल्ट इज 1 जूल। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, हिंदी क्या कह रहा है? यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी, क्या होगी? ऑप्शन आपका होगा बी 33 आपके सामने। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बी यर द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, क्या हिंदी कर रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा, क्या होता है? 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन है। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नंद गेट इज, नंद गेट का बुलियन व्यंजक है, करेक्ट आंसर डी। वाई इज इक्वल टू ए एंड बी बार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है और वो लास्ट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। कह रहा है द हाइट ऑफ टीवी टावर एट ए सर्टेन प्लेस इज 245 मीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू रीच इट्स प्रोग्राम कैन बी रिसीव्ड इज, हिंदी में पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी 56 किलोमीटर। और ये इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर की तैयार हो गया आपके पास। यदि आपको यह जानना है कि क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये हुआ तो क्यों हुआ, क्वेश्चन सेकंड का आंसर डी हुआ तो क्यों हुआ, ये रीजन के साथ जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। थैंक्स।